वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन और आप देख रहे हैं IIT जून ट्यूटोरियल का फिजिक्स वीडियो एंड आई एम सुभाष सिजास फिजिक्स फैकल्टी फॉर यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक सवाल सॉल्व करने वाले हैं जो कि SHM से है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से कुछ बेसिक एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम टेकन इन SHM ट्रैवलिंग फॉर अ पार्टिकल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन कैसे निकालते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो सिचुएशन यहाँ डिस्कस करेंगे वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉब्लम कराने के साथ साथ उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि KX = A sin ωt है ना, ये वो इक्वेशन है जो डिस्प्लेसमेंट टाइम के बारे में बात करता है। ST इक्वेशन है ना, सिंबॉलिकली लिख रहे हैं। ST इक्वेशन का मतलब S फॉर डिस्प्लेसमेंट, T फॉर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन इफ पार्टिकल बिगिंस फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, इफ़ पार्टिकल बिगिंस फ्रॉम मीन पोजिशन, अगर एक पार्टिकल मीन पोजिशन से स्टार्ट करेगा तो उसको कितना समय लगना चाहिए, ठीक है। और जब कभी कोई मोशन मीन पोजिशन ऑनवर्ड्स मोशन शुरू होगा, मीन पोजिशन से मोशन शुरू होगा, तब SHM का डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन लिखा जाएगा X = A sin ωt। इसका मतलब है इनिशियल फेज जो होता है फाई, ठीक है, वो जीरो है, ठीक है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस फेज, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इंस्टेंटेनियस फेज यानी टाइम डिपेंडेंट जो वैल्यू है वो है ωt, ठीक है। इंस्टेंटेनियस फेज ωt है और अगर हम t = 0 बैठाते हैं जो कि हमको इनिशियल इंस्टेंट मतलब स्टार्टिंग मोमेंट मतलब टाइम स्पेंट, टी जो है वो टाइम स्पेंट ड्यूरिंग द मोशन, टी किसको रिप्रेजेंट करता है, कितना समय तक मोशन हुआ है। तो उस हिसाब से देखें तो स्टार्टिंग इंस्टेंट में टाइम स्पेंट इज जीरो, सो दैट्स वाई टी विल बी सब्स्टिट्यूटेड जीरो और उसीलिए इनिशियल फेज जीरो हो जाएगा। तो ये है एक SHM जो कि मीन पोजिशन ऑनवर्ड्स ऑसिलेशन का बात कर रहा है, मान लो। सो लेट दिस इज बी X = 0 रिप्रेजेंटिंग द मीन पोजिशन, ठीक है, ये मीन पोजिशन हो गया। और इसको अगर सिम्बॉलिकली O, इस एंड को P, इस एंड दूसरा एक्सट्रीम एंड को अगर Q कहते हैं, एक एक्सट्रीम एंड P है, दूसरा एक्सट्रीम एंड Q, एक एक्सट्रीम एंड P, दूसरा एक्सट्रीम एंड Q है। तो अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एट T = 0 में, वो यहाँ है, इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द एंड P, और P का एक्सपोजिशन इज प्लस A, Q का एक्सपोजिशन इज माइनस A, है ना, P का एक्सपोजिशन प्लस A, Q का माइनस A, यानी कि एम्पलीट्यूड A है जो कि इक्वेशन में भी दिख रहा है X = A sin ωt, where A represents amplitude, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड T इज द टाइम स्पेंट। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन ये है, इसमें जो क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम X = 0 to X = a/2। मान लीजिए X = 0 से X = a/2 ट्रैवल करने में, यानी कि ये मिड पॉइंट है, ये मान लो X = a/2 है, लेट दिस पॉइंट इज मार्क्ड एज A, तो O टू A जाने में कितना समय लगेगा ये निकालना है मान लो। तो एज बिकॉज द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजिशन, तो जैसे हमने थ्योरेटिकली बताया X = a sin ωt ही वो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है जो उस SHM के बारे में बात करेगा,
विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजिशन। तो यहाँ भी जो टाइम स्पेंट है वो x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू ए बाई टू का पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी टू नो द टाइम टेकन टी टू रीच x इक्वल टू ए बाई टू। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर ए बाई टू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बाई टू बराबर ए इन टू साइन ओमेगा टी। ठीक है, ए बाई टू एक्स की जगह ए बाई टू बैठाए, तो जब x बराबर ए बाई टू हुआ, आउट ऑफ द एम्पलीट्यूड वैल्यू a, a में से ए बाई टू ट्रेवल किया फ्रॉम मीन पोजिशन, तो x पोजिशन ए बाई टू आया, तो जब x ए बाई टू आया तो तब जो t का वैल्यू होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ओ टू ए का जर्नी टाइम। ठीक है, तो यहाँ से a कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि क्या हो गया, ये साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1/2, 1/2 साइन में होता है 30 डिग्री, दैट इज पाई बाई सिक्स। ठीक है, पाई बाई सिक्स यानी कि इक्वेटिंग द एंगल्स ओमेगा टी कैन बी रिटन एज पाई बाई सिक्स, यानी कि जो टाइम स्पेंट हुआ वो हो गया पाई बाई सिक्स ओमेगा। इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन द टाइम स्पेंट टू ट्रैवल फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू ए बाई टू, वो टाइम कितना हो गया, पाई बाई सिक्स ओमेगा। हम लोग टोटल टाइम से अगर कंपेयर करें, सिंस ओमेगा कैन बी रिटन टू पाई बाई कैपिटल टी, चूंकि हम जानते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन जो है वो टू पाई बाई कैपिटल टी, कैपिटल टी क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो उस बेसिस में हम यहाँ जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी आया, उस टी को आई कैन राइट डाउन पाई बाई सिक्स 1/ओमेगा, यानी इसको उलट के टी बाई टू पाई लिख सकते हैं, तो पाई कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया टी बाई ट्वेल्व, यानी कि टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का, टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर कैपिटल टी है तो उसका 1/12 पार्ट टाइम लगा टू ट्रैवल फर्स्ट ए बाई टू डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजिशन टू रीच द मिड पॉइंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। जब कभी हमको मीन पोजिशन से स्टार्ट करके किसी एक पर्टिकुलर पोजिशन तक पहुंचने का टाइम स्पेंट पूछा जाएगा इन SHM, तो हम लोग क्या करेंगे, जो फाइनल पोजिशन है उस पोजिशन का एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द मैथमेटिकल इक्वेशन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और उसको सॉल्व करने से जो टाइम आएगा वो मीन पोजिशन से वहाँ तक जाने का टाइम के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू बना देते हैं। तो ए मिड पॉइंट था, ध्यान से देखो, ए मिड पॉइंट ऑफ द एम्पलीट्यूड सेपरेशन बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीमेंट। अब अगर इसी जर्नी में पूछा जाए फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू पी ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा, प्रोवाइडेड it has started moving from x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो से उसका जर्नी डेफिनेटली स्टार्ट हुआ, लेकिन मान लो हमको x इक्वल टू ए बाई टू से x इक्वल टू a से p, मतलब वही ना हुआ, a से p का तो वही मतलब हुआ, हाँ या ना, x इक्वल टू ए बाई टू फॉर पॉइंट ए एंड x इक्वल टू ए फॉर पॉइंट पी। ठीक है, अब देखो चूंकि बेसिकली जर्नी जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मीन पोजीशन से, तो हम जानते हैं कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड तक सिंस टाइम ऑफ जर्नी फ्रॉम ओ टू पी जो है वो अनडाउटेडली टी बाई फोर है बिटवीन मीन पोजिशन एंड एक्सट्रीम पोजिशन।
between mean and end position, ठीक है, SHM का mean और end position के बीच में जो time लगेगा वो total time period of oscillation का 1/4 है, क्योंकि हम जानते हैं एक oscillation बराबर 4 amplitude distance traveling, 4 times A, जो total path length है 4 times A, वो एक oscillation को पूरा करता है। तो इसका मतलब है कि mean से end तक पहुंचना 1/4 ऑफ द टोटल पाथ लेंथ, तो जो समय लगता है वो 1/4 ऑफ द टोटल ऑसिलेटिंग टाइम, तो टी बाई फोर। अब चूंकि जर्नी ओ से ही स्टार्ट हुआ है और हमको ए टू पी पूछा जा रहा है, तो दिस इम्प्लाइज दैट टी ए पी जो पूछा गया उसको हम लिख सकते हैं इट इज टी ओ पी माइनस टी ओ ए, है ना। सिंस आई बीन आस्क्ड टू नो द टाइम स्पेंट इन द पार्ट ऑफ द जर्नी विच इज फ्रॉम ए टू पी, तो एक इंटरमीडिएट पोजीशन था जबकि एब्सोल्यूट स्टार्टिंग पोजीशन ओ था जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट किया, है ना, पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट मीन पोजीशन है ऑलरेडी, ओ टू ए का टाइम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, और वही मोशन कंटिन्यू हो रहा है, तो ए टू पी में जाने में कितना समय लगा, तो टोटल ओ से पी जाने का समय से ओ से ए जाने का समय सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ओ टू पी है टी बाई फोर, एंड एज पर कैलकुलेशन ओ टू ए वी हैव जस्ट गॉट टी बाई ट्वेल्व, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 हो जाएगा एल सी एम, सो दिस इज 3t माइनस टी, यानी कि 2t बाई 12 यानी टी बाई 6, तो हो गया टी बाई 12 लगा ओ टू ए में, जबकि ए से पी में जाने में टी बाई 6 लगा। ओ टू ए एंड ए टू पी दोनों में पाथ लेंथ इक्वल ट्रैवल कर रहा ना, ओ टू ए जाने का जो डिस्टेंस ट्रैवल था वो एक्स जीरो से एक्स ए बाई टू तक, यानी ट्रैवल कितना कितना किया था ए बाई टू, और फिर एक्स ए बाई टू से एक्स बराबर ए वहाँ भी पाथ लेंथ कितना ट्रैवल किया ए बाई टू, तो टू कंसेक्यूटिव इक्वल ए बाई टू ट्रैवल करने में अलग अलग समय लग रहा है, पहले में लगा था टी बाई 12 जबकि अब लग रहा है टी बाई 6, समझ रहे हो कि नहीं। तो क्या पता चला कि टाइम स्पेंट जो है वो इसमें कम लगा, जबकि टी बाई 12 में टाइम स्पेंट क्या कम हुआ, सॉरी ये इसमें टाइम ज़्यादा लगा, टी बाई 12 में टाइम कम लगा। तो इसका मतलब है कि उसका कारण ये है कि जैसे जैसे हम मेन पोजीशन से एंड की तरफ जाते हैं हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड वो डिक्रीज होता है, कारण रिटार्डेशन बढ़ते रहता है, तो यही कारण है कि शुरू का ए बाई टू में कम समय में लगेगा जबकि लेटर हाफ ऑफ ए बाई टू दैट इज एक्स बराबर ए बाई टू से एक्स बराबर ए जाने में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है।